गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी इस्कॉन टेम्पल। कल हम लोग इसी इस्कॉन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के भीतर रुके थे, तो आज ऐसा नज़ारा है। बारिश अभी भी होती जा रही है, देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो ब्यूटीफुल। ये हमारा रूम था और एक रूम हमने लिया हुआ है लास्ट में। तो अगर आप कभी आते हो यहाँ पे, यहाँ का रूम आप बुक कर लेना, बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही अच्छा है, और प्राइस भी आपको इकोनॉमिक रेट में आपको मिलने वाला है। तो यह इनकी रूम है और एक रूम ही वाला है 207। ये बंदे सो रहे हैं सारे। एंड दिस इज़ द लुक फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर गेस्ट हाउस। यहाँ पे बहुत बड़े गौशाले हैं, देखो। आदर करो, आदर करो। আমি তো আদরই করছি তোকে, সিংহ দিনিস না বাবা। ভয় কি, ভয় করি। গেলো খালো এখানে সে খাবার থাকে। চলো এবার যেতে হবে অনেক দূর। अब इस्कॉन को चेकआउट करते हुए हम लोग चले जाएंगे असम की ओर। वो हमारी गाड़ी है। तो इस्कॉन टेम्पल को चेकआउट करते हुए वी आर नाउ चेकिंग आउट एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स दूधनोई। दूधनोई बोल के एक जगह है, वो असम मेघालय के बिल्कुल बॉर्डर में है। दूधनोई, DUDHNOI, ठीक है। तो चलो रास्ते में मिलते रहेंगे जब जैसा होगा। अभी हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं, बस बिस्किट कुछ खाया बस। वेरी नाइस प्लेस। बारिश खूब हुआ, खूब। यहाँ से एंट्री पॉइंट है एक्चुअली, ये जो है एंट्री है। वन लास्ट टाइम द मैजिक स्टिक टेम्पल। दिस इज इस्कॉन रोड। उस साइड में आपको उस इस्कॉन रोड के उस साइड यानी कि लेफ्ट साइड हो जाएगा सेवक रोड, और राइट साइड हो जाएगा आपका क्या, ईस्टर्न बाईपास। तो हमें अब ईस्टर्न बाईपास की ओर जाना है। कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। ओके, आप रास्ते में मिलते रहेंगे। हाँ, तो हम लोग अब इस साइड चले जाएंगे, बागरो साइड में है। सो वी आर लीविंग द ईस्टर्न बाईपास एंड स्लोली मिक्सिंग विथ, रास्ता पता नहीं आप बोल दो। वी विल स्लोली मीट विद द नेशनल हाईवे 27 को हम लोग अभी मीट करने के लिए जा रहे हैं, तो मीट कर भी जाएंगे। कंटिन्यू रास्ते में धूपगुड़ी में गाड़ी रुकवा के उत्तम मिष्ठान भंडार। यहाँ पे मिठाइयाँ भी है और आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, खा के हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। किरे खावा होलो खावेचे तुम्हार ओ खावेचे भालो खबर मिठाइयों का आइटम देखो। अगर आप नेशनल हाईवे 27 से जा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल रुको, और लोकेशन है धूप विद्यालय के हेड साउथ देन टर्न राइट। वही सारा रास्ता फाका,
बिल्कुल फाका खाली। तो ये है मज़ा होली के दिन आने का। देखो ये पता नहीं कौन सा मोड़ है, ये नेशनल हाईवे 17 है, सीधा जाएंगे दूध नोई की ओर, दूध नोई वहाँ आज हम लोग स्टे करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं कहाँ तक क्या हो पाएगा। गोपनगर फलाकाटा है ये, गोपनगर फलाकाटा। चलो अभी सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, हमको जाना होगा। तो ब्रेकफास्ट हो गए हम लोगों का, अभी हम लोग नेशनल हाईवे 17 यानी कि 27 को छोड़ चुके हैं। तो अभी यहाँ का जो रास्ता है ना, ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड है नहीं, क्योंकि हमको सीधा तो गुवाहाटी जाना है नहीं, ठीक है। क्योंकि लोग मैक्सिमम आपको देखेंगे, आप ब्लॉग में देखेंगे कि गुवाहाटी से जाते हैं, तो मैं मुझे गुवाहाटी से नहीं जाना है। रीज़न क्यों? क्योंकि मुझे अब ये प्लान हो रखा है, क्या होगा पता नहीं आगे, मुझे दूधनोई बोल के एक जगह है वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो वहाँ आज हम लोग रुकेंगे, ऐसा प्लान है। अब क्या होगा आगे पता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई डोंट नो व्हाट विल एक्चुअली बी द केस। तो वहाँ से हमको ना एकदम सीधा जो मेघालय के जो गाढ़ो हिल्स जो है, तो वहाँ से हमको एंटर करना है। मीन्स गाढ़ो हिल्स से मुझे राइट की ओर एंटर करना है, करते हुए मुझे फिर जो है खासी हिल, फिर जयंती हिल्स, उस तरफ हमें जाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, गाढ़ो हिल में तो हम लोग रहेंगे नहीं, मगर रास्ते तो थोड़ा दिख जाएगा। तो जस्ट टू हैव ए व्यू ऑफ हाउ गाढ़ो हिल लुक्स, वी आर टेकिंग दिस शॉर्ट रोड। तो आज ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करेंगे नहीं, 5-6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे एक होटल में। वहाँ पे एक होटल है, देख रखा है, बातें नहीं की है, ठीक है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर वापस आएंगे और क्या, किसी और कहीं और जाएंगे। तो वहाँ से और आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद तो शाम हो जाएगा और फिर रास्ते दिखेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे आज। देखते हैं ये प्लान है आगे कि क्या होता है, आपको बताते रहेंगे। तो ये है रास्ता, रास्ता काफ़ी प्यारा है, और आज तो होली का दिन है इसलिए और ज़्यादा शांत है। इट्स अ वेरी नाइस सिंगल रोडेड सिंगल पाथ रोड। नेशनल हाईवे 17 1 7। अलीपुर द्वार से हम लोग अब गुजर रहे हैं। तो रास्ता भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अलग अलग सब सुंदरता का जो लेवल है ना, वो अलग अलग लेवल का है। देखो अभी लैंड फ्लैट नहीं है, कभी ऊंचा कभी नीचा। आई लव दिस काइंड ऑफ टेरेन। यहाँ के रास्ते थोड़े से टूटे फूटे हैं, मगर फिर भी इट्स फाइन। ये देखो ऊंचा फिर नीचा है ना, और पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं। ये देखो बढ़िया है ना। लोग आओ आके देखो, खुद आओ, आ जाओ, मजा आ जाएगा भाई। बाइक लेके आओ, अपनी गाड़ी है तो लेते हुए आओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भाड़ा ले लो, आ जाओ भाई। निवेदिता शिशु शिक्षा केंद्र। फिर से हर किसी को हैप्पी होली। So cute road, so cute। चलो आपसे मिलते तो रहते ही है।
अभी जस्ट 117 रोड पे टर्न लिया हुआ है, और गुवाहाटी ये भी रास्ता सीधी जाके गुवाहाटी से मिक्स तो करने वाला है, मगर हम लोग सीधा पहले हम लोग जो है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गारो हिल्स होते हुए घुसेंगे, ठीक है। फॉर दैट रीज़न वी हैव टेकन दिस टर्न। आई विल पॉइंट दैट इन गूगल मैप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस साइड से जो है मेरा जर्नी हो रहा है। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं, और वेरी पिक्चरिस्क, ब्यूटिफुल। This is so beautiful, isn't it? We are heading towards Dudhnoi, which is at the Assam-Meghalaya border. We would like to stay tonight, see the beauty of mountains. Yeah, meri gaadi, Innova Crysta. जगह का नाम देख लो, लेट्स हेड ऑन। ये जो रास्ता है ना, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रास्ता है, और गूगल को भी पता नहीं है ये रास्ता, नेशनल हाईवे 17 है, अभी पता नहीं है, तो पता हो जाएगा, गूगल जी पता कर लो। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज टर्न ऑन द गूगल मैप and has driven through this road. Wonderful. সব গপ্পে বপ্পে সব চল রে হ্যাঁ অনেকের নাম খুব মানে ভেবে চিন্তে রাখে, প্রচুর ডিপেন্ড করে মানুষের एक चिड़िया मर गई शायद, है ना, मे भी पता नहीं। सो वी आर क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर, अभी थोड़ा सा पानी कम है, नहीं पानी है फिर भी अच्छा है। Very long bridge, long bridge, very long bridge. वो वाला जो रास्ता था वो last end तक constructed तो हुआ है, मगर थोड़ा connectivity अभी भी कम है, तो थोड़ा सा हमको फिर घूमना पड़ा, मगर सही है। I think it will be all okay in next 2-3 months. Massive holy celebration here. গাড়ির মধ্যে ছুটে যায় বোকা তোর জন্য, বোকা তো গাড়ির কাছে রং দিয়ে ঠিক আছে, দিচ্ছে দিক দিক না। Wonderful. अभी हम लोग आके पहुंचे हैं भुवना लॉज में, ये देखो साइड से दिख रहा होगा भुवना लॉज, इस साइड में आ जाओ। ये 1500 रुपीस का पड़ा, तो हम लोग 8 जने आराम से हो जाएगा। दिस प्लेस इज नोन एज, अभी मैं जगह का नाम भूल जा रहा हूँ, अभी हम लोग कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, उस साइड सीधा है गुवाहाटी, दूधनोई, जगह का नाम है दूधनोई। ये देखो ये बिल्कुल ऑपोजिट है
इस साइड से हम लोग जाएंगे कल। चलो फिर आगे मिलते रहेंगे। तो ये वो जगह है भुवाना लॉज, श्री कृष्ण मेडिकल हॉल है यहाँ पे, देखो लजीज पिज़्ज़ा है। तो अच्छा है, इन लोग और कंस्ट्रक्शन बढ़ भी रहा है, डेंटल क्लिनिक साथ में, या मेडिसिन का दुकान। एंड दिस साइड स्ट्रेट इज़ गुवाहाटी। हम लोग कल इस साइड थोड़ा सा जाके फिर लेफ्ट टर्न ले लेंगे, सामने पुलिस चौकी है, दूध नोई। कह रहे कि गाड़ी यहाँ पे नहीं रखेंगे, थोड़ा कहीं इन लोग का पार्किंग है, खुला पार्किंग रखने को मना कर रहे हैं। चलो फिर कदम पुकन, चलो फिर ऊपर चलते हैं। और क्या आ रहा था, एक बहुत अच्छा एक मंदिर मिला देखने को, अच्छा मंदिर है। वन देवी तो बंद है वैसे। तुम ही जो मैडम से बात कर रहा हूँ। यह मंदिर वन देवी का मंदिर, दुर्गा माँ का एक अवतार। अब हम लोग जाएंगे, वी हैव रेस्ट वेरी अर्ली दूधनोई, तो इसी होटल में वी विल रेस्ट, टेक रेस्ट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड टुमारो वी विल बी वेंचरिंग इनटू मेघालय। कल हम लोग मेघालय में एंट्री कर जाएंगे। नॉन्गस्टोन जाने की इच्छा है, नॉन्गस्टोन से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते कहाँ पे कहाँ तक हो सकता है। तो कल हम लोग एक्चुअली मेघालय की जो है जर्नी है कल से स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।